इंडिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सिंघू बॉर्डर में, और कैसे सिंघू बॉर्डर को छावनी में तब्दील किया गया है ये मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं, और काफी तादाद में सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। उस तरफ अगर हम जाएंगे तो वहां पर आरएएफ के जवानों की मौजूदगी है, और फिर वो आप देखेंगे कि कितनी टीमें वहां पर आरएएफ की टुकड़ियां मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी भी है, और लगातार अधिकारी इनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, इनको डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं। वैसे तो जिस तरीके से पूरे इलाके को इस वक्त छावनी में तब्दील किया गया है, किसानों का यहां तक पहुंचना असंभव लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर जैसे तैसे किसान पहुंच जाते हैं तो उसके बाद कैसे उनको रोका जाएगा, यह आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर यहां पर सुरक्षा कड़ी की गई है। उस तरफ अगर हम आएंगे आप देखेंगे कि ये आरएएफ के जवान मौजूद हैं, और इनको लगातार डायरेक्शंस दी जा रही है, इनको बताया जा रहा है कि कैसे इनको स्थिति को काबू में करना है, कि कोई अगर असामाजिक तत्व यहां पर चीजों को खराब करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, तो फिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आरएएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ की मौजूदगी है, पुलिस के जवान मौजूद हैं, महिला टुकड़ियां भी मौजूद हैं, और उधर तो ये तैयारी है ही, यानी कि सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर कंटीले तार है, बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है, और ये संकरा रास्ता है जहां से लोग आ जा रहे हैं आवाजाही के लिए, ये रास्ता है। यानी कि अगर आपको हरियाणा से आपको दिल्ली जाना है तो फिर आपको ये पैदल जाना होगा। विकास ठाकुर मेरे सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, इस रास्ते का इस्तेमाल करना होगा, और ये आप ब्लॉक्स देख सकते हैं, ये यहाँ पर सरिया है, इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जहां तक आगे हम जाते जाएंगे यहां तक आपको ऐसी ही तस्वीरें यहां पर नजर आएंगी, इसी तरीके से ब्लॉक्स, कंटीले तार, बैरिकेटिंग यहां पर की गई है। ऊपर फ्लाईओवर है, वहां पर भी वैसे ही व्यवस्था है, और लोग यहां पर पैदल, आप देखिए कि पैदल आने को मजबूर है, जिनको बहुत जरूरी है, कुछ काम है, बच्चों को लेकर जाना है, कुछ मजबूरी है, किसी जरूरी काम से पहुंचना है, वो वहां पर पहुंचेंगे। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें वो दिखाते हैं, ये आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर ये पूरी मुस्तैदी के साथ जवान मौजूद हैं, आरएएफ के जवान मौजूद हैं, इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी है, और उधर सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर हालात क्या हैं। हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन अगर कोई अप्रिय स्थिति होती है तो उससे निपटा जाएगा। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ जसप्रीत कौर, न्यूज 18 इंडिया।